सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपके नीट फुल टेस्ट टेंथ का जोलॉजी का सेक्शन ए डिस्कस करना है सो लेट्स स्टार्ट तो बेटा जोलॉजी का अगर सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वन फिफ्टी वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व्स बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस इज तो बच्चे ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे जो सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है टा के अंदर प्रेजेंट होती है है ना? सिलेंट्रेटा है के अंदर प्रेजेंट होगी, है ना और यहां पर जो सिंगल ओपनिंग है बेटा इसको हम क्या कहते हैं हाइपोस्टोम कहते हैं हाइपोस्टोम कहते हैं तो ये किस में प्रेजेंट हो? होगा सिलेंट्रेटा का एग्जांपल कौन सा है बच्चे तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर फाइजेलिया है एंड साइक्लोस्टोमा जो है बच्चे एस्किलीज है एस्टेडियज भी नहीं आएगा एस्केडिया भी नहीं आएगा एकाईनोडोम्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन नंबर वन इज दी राइट आंसर नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग दिया गया सिक्स टू फिफ्टीन पेयर ऑफ गेल्सलेट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चा तो ये साइक्लोस्टोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लैक्वाइड स्केल जो होगा कॉन्डिक थीस के अंदर होंगे है ना एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होता है ऑस्टिक थीस के अंदर और पॉइजन स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है ट्राइगोन के अंदर तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप आंसर देखो तो ऑप्शन नंबर फोर इज दी राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग पेयर इज रॉन्ग हमें रॉन्ग बताना है तो मोलस्का के अंदर सीडोसील दिया गया है बच्चे सीडोसील जो होते हैं स्केलमिंथीज होते हैं दे आर सिलोमेट्स सिलोमेट्स तो ये जो है बच्चे आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है रॉन्ग मैचिंग पेयर है नाइडेरिया के साथ निमेटोसिस्ट right राइट ऑप्शन एनिडा में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है एक्सक्रूटिव मटीरियल एक्सक्री ऑर्गेन राइट और अकाइनोडा जो है वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है फॉर लोकोमोशन है ना तो यहां पर यह भी ठीक है स्टेटमेंट ऑप्शन तो नंबर जो वन है आपका मोलस्का के साथ सीडोसील इज द रॉन्ग नेक्स्ट देखेंगे सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर दैसेज ऑफ स्पॉम्स इन दिल फ्रॉक्स तो सबसे पहले जो होगा बच्चे टेस्टीज होगा वास्फ्रेंशिया है किडनी है बिडर्स कैनाल है यूनोजिनाइटल डक्ट है एंड क्लोयका है सो ऑप्शन थ्री जो आएगा बेटा ये आपका राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट देखेंगे सो ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथिलियम टाइप्स हेल्प्स इन दिस सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन जो करता है बच्चे वो कॉलमनर सेल्स करता है है ना कहाँ पे प्रेजेंट होता है लाइनिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होगा इंटेस्टाइन में तो so, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे मेमब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कंटेनिंग वेरियस एंजाइम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल्स आर कॉल्ड एज तो बच्चे क्या होते हैं माइक्रो बॉडीज होते हैं है ना दीज आर माइन्यूट वेसिकल्स जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ठीक है प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में ही मिलते हैं बच्चे है ना तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन क्या बोला जा रहा है दी एसिड इन्सॉल्यूबल पुल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन बच्चे दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट एसिड इनसोल्यूबल पुल नहीं होता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन का और दूसरा था मैक्रो मोलिक्यूल्स फ्राम द साइटोप्लाज्मिकम दसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन बच्चे एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन नहीं बनता है. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है तो आपका यहाँ पे दोनों दोनों जो है बोध स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट नेक्स्ट है इंटरफेज इज़ ऑलसो नोन एज तो रेस्टिंग फेज क्या कहते हैं उसको बच्चे रेस्टिंग फेज कहते हैं रेस्टिंग स्टेज कहते हैं एंड टेक्स अबाउट 95 परसेंट जो सेल का जो परसेंटेज है टाइम है वो बच्चे इंटरफेज स्टेज में रहता है है ना अगर हम 24 फोर आवर्स की बात करें इन ह्यूमन सेल्स तो 23 थ्री आवर्स वो इंटरफेज में रहता है और जो सेल डिविजन होगा वो सिर्फ एक आर के लिए होता है तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर थ्री जो है इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट ई सी जी डिपीट द डिपोलराइन एंडशन ऑफ प्रोसेसिस ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल इन ई सी जी ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड तो कौन सा नहीं होता बच्चे डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया होगा अगर आप ग्राफ की बात करें तो ये इस तरीके से पी आ जाता है ये इस तरीके से आएगा बच्चे और ये इस तरीके से दिस इज पी ये क्यू है ये आर है ये एस है और यहाँ पे टी आ जाता है ठीक है तो ये आपका बताता है बच्चे डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया ये बताता है बच्चे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और ये बताता है बच्चे रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल तो बच्चे यहाँ पे हो क्या नहीं रहा है डीपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल भी हो रहा है रीपोलराइजेशन भी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है रीपोलराइन ऑफ आर्ट्रिया जो है इसमें नहीं दिखता है हमें इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन द ई सी जी सो ऑप्शन नंबर टू इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट इन टू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एट तो बच्चे इसके एसोसिएशन के लिए हमें क्या चाहिए फॉर एसोसिएशन के लिए हमें हाई पी ओ टू चाहिए लो सी ओ टू चाहिए लो हमें पी एच चाहिए लो एच प्लस आयन चाहिए ठीक है एंड लो टेम्परेचर चाहिए फॉर एसोसिएशन राइट और डिसोसिएशन के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए लो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई पार्शल प्रेशर ऑफ सी ओ टू हाई एच प्लस आयन लो एच प्लस आयन बच्चे लो एच प्लस आयन होगा है ना जितना ज्यादा नहीं एच प्लस आयन बच्चे हाई हो जाएगा तभी तो लो पी एच होगा ना ये हाँ लो पी एच लो पी एच पे काम करता है ये लो एच प्लस आयन का मतलब है हाई पी ठीक है एंड टेम्परेचर जो है बच्चे हाई होना चाहिए ठीक तो ये डिसोसिएशन कराता है तो यहां पे देखिए लो ऑक्सीजन प्रेशर इन टिश्यूज जो होगा वो बच्चे एसोसिएशन के लिए चाहिए डिसोसिएशन के लिए नहीं चाहिए है ना तो यहां पे ऑप्शन नंबर वन जो है वो आपका राइट right आंसर है ठीक है नेक्स्ट देखिए रिसेप्टर्स इन आयोटिक आर्क एंड कैडेटेड आर्क रिकोगनाइज चेंजेस इन द दंसनट्रेशन ऑफ तो बच्चे आयोटिक आर्क एंड आर्ट जो है रेगुलेशन है है ना तो वो किस पे काम करता है बच्चे सी ओ टू एन एच प्लस आई एन के कंसनट्रेशन पे उसका रोल आता है तो द ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है तो यहां पर क्या आ रहा है द एस एन जनरेट एंड द साइनो आर्ट्रियल नोड एस एन क्या है दिस एक्ट एज अ पेस मेकर द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एक्शन पोटेंशियल इज कंडेड टू देंटिकुलर साइड ऑफ द एवी एन आर्ट्रियो वेंटिकुलर नोड है बच्चे एंड द ए बंडल फ्रॉम दैट इज द बंडल ऑफ हिस्स फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ ट्रांसमिट इट

ग्रोमेलोनेफाइटिस क्या है बच्चे इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेलोलाई का तो आपका ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट द पाइवेट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज द टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट है यह क्योंकि इसमें मूवमेंट होता है एटलस एंड एक्सिस के बीच में साइनोवियल ज्वाइंट होता है तो आपका ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द रेस्टिंग स्टेज करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो क्या क्या है न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स ये ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव आउटसाइड एंड नेगेटिवली इनसाइड बच्चे आउटसाइड जो है ये भी ठीक है स्टेटमेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इलेक्ट्रिकली अंदर की तरफ नेगेटिव होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है क्योंकि अंदर जो है पोटेशियम आयन है बाहर सोडियम आयन है तो ये भी ठीक है द नर्व इम्पल्स इज स्टमुलेटेड एंड कंडक्ट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेगेटिव आउटसाइड एंड पॉजिटिव इनसाइड ये गलत है बच्चे स्टेटमेंट तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर वन एंड जो स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट स्टेटमेंट राइट सो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए विच आर द फॉलोइंग हार्मोस ऑल्सो प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेट्री रिएक्शन इन मैन एंड सप्रेसेज द इम्यून रिस्पॉन्स इन एडिशन टू इट्स प्राइमरी फंक्शन कौन करता है बच्चे कॉटिसोल का रोल आ जाता है इसके अंदर है ना एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की बात करें और जो इम्यून रिस्पॉन्स को भी वो कर रहा है तो वो बच्चे किसका है अपने प्राइमरी फंक्शन के साथ-साथ कॉर्टिसोल करता है बेटा ठीक नेक्स्ट देखिए क्रिटनिज्म इन चिल्ड्रन इज कॉज्ड बाय क्रिटनिज्म होता है बच्चे हाइपोथायरायडिज्म तो सम कम सिक्रीशन होने लग जाए किसका T3 T4 का तो हाइपोथायरायडिज्म है, है तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर FSH इन मेल्स फॉलिकुलर स्टिमलेटिंग हार्मोन जो होगा क्या करता है बच्चे इट एक्ट ऑन द सटोली सेल्स दैट हेल्प्स इन दी स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प कराता है इन मेल्स राइट फीमेल्स के अंदर वो क्या कराएगा एक तो ऑब्यूलेशन कराएगा और दूसरा क्या करता है फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर देन ग्राफिन फॉलिकल्स ट्रशरी फॉलिकल तो ऑप्शन यहाँ पे थ्री जो है इज दी राइट आंसर नेक्स्ट स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है बच्चे स्पर्मियोजेनेसिस होता है सिंपल जब स्पर्मेटेड है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पर्मेटोजोवा के अंदर फ्लैजेला लग जाता जाता है 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 उसके अंदर मोटाइल हो जाता है वो ना तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई ए बी एक्स एंड वाई इन द डायग्राम ए क्या है बच्चे मोरूला है बी क्या है बी बच्चे ब्लास्टूला है ब्लास्टोसिस्ट है. ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट होते हैं एक होता है इनर सेल मास इनर सेल मास जो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा और ये बाहर का जो होता है वाई एज ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो कि अटैचमेंट करेगा इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ जाके अटैच कर जाता है तो अगर आप ये देखो ए बी एक्स वाई देखो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर मोरूला ब्लास्टोस इनर सेल मास एंड प्रोपोब्लास्ट लेयर इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो बच्चे गनोरिया है मलेरिया नहीं है जेनेटल हर्पीज़ है एड्स है मलेरिया नहीं है फाइलेरिया नहीं है कैंसर नहीं है एड्स एंड सिफाइलिस है गनोरिया है सिफिलिस एंड जेनेटल हर्पीज है तो ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर द मेथड इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द ओवम इज कॉल्ड एज बच्चे उसको आई सी एस आई कहते हैं है ना दैट इज क्या है ये बच्चे इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पोम इंजेक्शन स्पोम इंजेक्शन सो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए वाट विल बी द रेशो ऑफ ऑफ स्प्रिंग इन अ क्रॉस बिटवीन रेड कलर फ्लार एंड पिंक फ्लार मिराबलिस जलापा क्या होगा बच्चे तो यहाँ पे बच्चे देखेंगे जो आपके गैमिट्स बनेगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर जो है रेड है एंड कैपिटल आर स्मॉल आर जो है बच्चे ये आपका पिंक है है ना रेड एंड दिस इज़ पिंक ठीक है बेटा तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा गैमिट आर और स्मॉल आर आ जाएगा तो अगर पनेट स्क्वायर बनाओ तो क्या बनेगा पनेट स्क्वायर दिस इज़ आर और यहाँ पे आपका आर और स्मॉल आर आ जाएगा तो कैपिटल आर कैप आर कैपिटल आर स्मॉल आर तो यहां पे अगर रेशो देखो तो रेशो क्या आ रहा है बेटा रेशो जो है यहां पे वन एस टू वन का रेशो आ जाएगा ठीक है तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा रेड एंड पिंक इज गन एस टू वन का रेशो आ गया ठीक है सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए द सिक्स अमीनो एसिड इन द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन ए पेप्टाइड इज तो बच्चे ग्लूटामिक एसिड होता है सिक्स पोजिशन पे जो कि रिप्लेस हो जाता है वेलिन के साथ है ना और सिकल सेल एनीमिया कर देता है सो so, आपका ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ अ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग द दोनों में बच्चे हम पॉलीमोरफिजम एंड डी एन ए सिक्वेंस की बात करते हैं फॉर बोथ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम और डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग सो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे डार्विन प्रपोज दैट न्यू स्पीशीज इवॉल्व फ्रॉम द एंसेस्ट्रल फॉर्म बाय बच्चे कैसे होता है धीरे धीरे एडेप्टंस के ना टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट और जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की जाती है तो यहां पर ग्रेजुअल एक्मिलेशन ऑफ देशन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर है ना तो यहां पे दिस इज योर राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट है द बिलो स्ट्रक्चरल फॉमूला बिलोंग्स टू तो बच्चे ये कैन मॉलिक्यूल का ही तो एनसीआरटी का डायग्राम दिया गया है है ना एनसीआर टी में आपको दो तरह के रिएक्शन दिए गए एक अपॉइड के लिए दिया गया कैन एबिनोइड के दिया गया तो अपोइड में एसिटाइलेशन दिखाया गया है मॉर्फिन का स्ट्रक्चर और यहां पे दिस स्ट्रक्चर इज शोइंग योर कैन मॉलिक्यूल सो ऑप्शन नंबर टू इज दी राइट आंसर नेक्स्ट देखिए मैच द फॉलोइंग करना है तो एस्परगिलस नाइगर जो है ये क्या करता है बच्चे सिट्रिक एसिड बनाता है क्लॉस्ट्रीडियम बुटैलिकम जो होगा वो क्या करेगा बिटायरिक एसिड बुटेलिकम नाम दिया गया इसीलिए बिटैरिक एसिड बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या करता है बच्चे तो ये एसिटिक एसिड बनाएगा तभी एसिटाई है इसका नाम और लैक्टोबैसिलस जो लैक्टिक एसिड बनाता है जो कि कर्ड फॉर्म करता है मिल्क से तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली अगर आप आंसर देखो तो ऑप्शन नंबर टू इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट so, देखेंगे यूज़ ऑफ बट बायो फर्टिलाइजर इज अ पार्ट ऑफ तो बच्चे बायो फर्टिलाइजर का यूज जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किया जाता है आजकल आप कहते हैं ना ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं हम सो दैट इज बेसिकली द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एन्जाइम्स बिच तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है बच्चे किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन से अगर डीएनए को कट करना हो क्लीव करना हो तो उसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करते हैं सो दे रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग एंड देन क्लीव्स बोथ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए दोनों ही स्ट्रैंड को क्लीव करेगा तो दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन तो बच्चे इसके ऊपर बेस्ड होता है एलाइजा दैट इज एंजाइम लिंक्ड ठीक है सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए इन 1983 एटी थ्री विच आर द फॉलोइंग कंपनी प्रिपेयर्ड ह्यूमन इंसुलिन तो बच्चे ईली लीली कंपनी जो है अमेरिकन कंपनी जिसने जो है ह्यूमन इंसुलिन बनाया सबसे पहले सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज मेजर इन द टर्म्स ऑफ इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ एनदर स्पीस ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन तो ये बच्चे कहां किसके अंदर होता है तो बच्चे ये जो इंट्रैक्शन है जब एक स्पीशीज का जो फिटनेस है दूसरे के उसमें अगर कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं कंपटीशन कंपटीशन के उसमें होगा ये और अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो एमिंगडॉन एंड टोटराइज एंड गोट्स का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इनका एग्जाम्पल जो है बेटा आपके एन भी देती है वो क्या बोल रहा है एनसीआर क्या बोलता है कि जो 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 कि टोटराइजैलाप आइलैंड्स में थे दे बिकम एक्सटिंक्ट कैसे हो गए विद इन अ डिकेड जब गोट को इंट्रोड्यूस कराया गया इस आइलैंड के अंदर किस वजह से क्योंकि ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशियंसी ऑफ द गोट ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशियंसी ऑफ द गोट ठीक है तो यहां पे जो आपका आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर है ट्राइज एंड गोट्स है ना तो दिस इज द राइट ये बेसिकली ये इंट्रेक्शन बता क्या रहा है बच्चे ये यहां पे आपको बता रहा है दिस स्टेटमेंट इज द कंपिटेटिव रिलीज ठीक है बेटा तो यहां पर आपका यहां पे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर टू जो है राइट आंसर और फिर बीस के बीच में जो होगा बच्चे म्यूचुअलिज्म होगा म्यूचुअलिज्म शो करता है ये सी एनिमोन और जो क्लाउन फिश है ये आपका बच्चे एमेंसलिज्म शो करता है सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश जो है कमेंसलिज्म शो करेगा कमेंसलिज्म कि इसको कोई नुकसान नहीं है क्लाउन फिश जो है ये फायदा होता है इसको डिफेंस मिल जाता है प्रीडेटर से तो यह ये कमेंस, ये कमेंसलिज्म है है ना तो और ये इसके अलावा ये भी बच्चे आपका जो है कमेंसलिज्म है कमेंसलिज्म है तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर इज द एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट बींग ड्राइविन टू द एक्सटिंक्शन तो बच्चे सबसे ज्यादा जो है दे ऑल आर द फोर क्वार्टरेट एविल क्वार्टेट ओवर एक्सपेक्टेशन एलियन स्पीशीज इन्वेशन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन को एक्सटेंक्शन आपकी एनसीआरटी क्या कहती है कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बींग ड्रिविन टू द एक्सटिंक्शन सो ऑप्शन नंबर थ्री इज योर राइट आंसर नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप अपियर्स टू बी मोर वनरेबल टू द एक्सटिंक्शन देन द रिमेनिंग अदर्स तो बच्चे सबसे ज्यादा जो है 33 परसेंट वो क्या है अमफीबियंस हैं तो आपका ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन फॉर द सेक्शन ए ऑफ जोलॉजी आई होप बेटा आप, right so, आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी सो ऑल द बेस्ट एफ यून गॉड ब्लेस टेक केयर थैंक यू